सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर एक, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर दो, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी रचना है। ऑप्शन है ए लियो टॉल्स्टॉय, बी कार्ल मार्क्स, सी एडम स्मिथ, डी मनमोहन सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर तीन, भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती है। ऑप्शन है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी अनावेशित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धनात्मक। क्वेश्चन नंबर चार, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर पांच, सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर छह, भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सात, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 8 मार्च, बी 12 जून, सी 11 जुलाई, डी 12 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर आठ, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है ए हरियाणा, बी बिहार, सी झारखंड, डी सिक्किम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। क्वेश्चन नंबर नौ, भारत का एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है। ऑप्शन है ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी मेघालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नागालैंड। क्वेश्चन नंबर दस, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी गृहमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। ऑप्शन है ए महेंद्रगिरी, बी ब्रह्मागिरी, सी अमरकंटक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी से। क्वेश्चन नंबर 12, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है ए कावेरी नदी, बी नर्मदा नदी, सी कृष्णा नदी, डी गोदावरी नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 13, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 14, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी कावेरी नदी, सी कृष्णा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 15, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16। दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? ऑप्शन है ए गोखुर झील, बी क्रेटर झील, सी लेगून झील, डी हिमानी झील। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लेगून झील। क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम एशियाई गेम्स कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत में। क्वेश्चन नंबर 19। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है ए लैटेराइट मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लाल मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लैटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 20। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी गोदावरी नदी, डी नर्मदा नदी। इसका उत्तर कमेंट में बताएं तथा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।